और मेरी वीडियो देखने वालों, क्या हाल है तुम्हारा? आज सुबह सुबह उठा तो अम्मी ने कहा पहले पहले ये उठो और ये सारा काम करो। काम क्या करना था, ये जो सब देख रहे हो ना आप लोग, ये मैंने सीधा किया। 2-3 मंथ पहले आया था तो ये गारे से छत की लिपाई विपाई कराई थी, क्योंकि कमरे में सारा पानी अंदर आ रहा था। और काम करने के बाद मुझे और अंसर को भूख लगी और दुकानें भी बंद थी, तो अंसर चला जाता है घर, तो मैं आ जाता हूँ चौक पे कजन के साथ, क्योंकि उसको थोड़ा काम होता है, फिगर बनवाना होता है, क्योंकि शादी वाला घर था। हम एक दो दुकानों पर दिखाते हैं, वहाँ पे वो रेट भी सही नहीं बताता और काम भी सही नहीं बताता। तो देख तीसरी दुकान पर जाता है, वो हमें बात सही समझाता है और रेट भी सही बताता है, तो हम को दे देते हैं, तो वापसी आ जाते हैं। तो यहाँ पे चावल रोटी स्टार्ट हो चुकी होती है और यहाँ मेरे बाल भी थोड़ा खराब हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी वाला इलाका है। तो यहाँ पे हमारे दुल्हन के मायों के बाद अब दूल्हे को भी 1-1.5 दिन बाद मेहंदी लग रही थी, और अचानक से भाभी आके मेरे हाथ पे भी आके मेहंदी लगा देती है और कहती है कि 1 साल बाद तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। मैंने कहा भाई ऐसा से कहने की बात है, वैसे समझ रहे हो। तो जाके फटाफट जैसे हाथ धोता हूँ तो भाई ये मेहंदी तो और भी गहरी हो लग रही होती है मेरे हाथ पे, तो डर भी लग रहा होता है ये क्या सीन है। डर को भुलाने के लिए मैं और मोटू बैठ जाते हैं खाने के लिए, तो मीठे चावल और फीके चावल दोनों मिक्स करके खाते हैं ताकि सारे गम भूल जाए हम दोनों। मतलब मैं यार उसको क्या काम आता, वो तो और खाए जा रहा था। वो पहले जैसे बाइट लेता तो बड़ा ही मजेदार चावल बने हुए होते हैं। तो इसके बाद जाके देखता हूँ तो चाचू चूल्हे की चार पे बना रहे होते हैं और मुझे घर से कॉल आ जाते हैं, कहते हैं आओ और चले मामू लोगों के घर पे, वहाँ पे कुछ काम। यार एक तो हमारे चक्कर बहुत लग रहे थे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, ऐसे में ही बहुत थकान हो चुकी होती है। यार आप किसी को नाराज भी तो नहीं कर सकते, उधर से भी रिलेटिव इधर से भी रिलेटिव और क्लोज रिलेटिव। तो यार दूसरी बात यहाँ पे ना, यार एक तो यहाँ पे कच्चे का इलाका है, यहाँ पे ना कपड़े पहनने का हज ही नहीं, मतलब मजा ही नहीं आता, जल्दी जल्दी गंदे ही हो जाते हैं। मैं अपनी फैमिली को लेकर रास्ते में 15 मिनट के रास्ते में हम लोग पहुंच जाते हैं मामलों के घर पे। यहाँ पहुंचता हूँ तो ये अपनी भतीजी के साथ खेल रहा होता है आंसर, मेरे साथ सुबह में काम भी करवा किया था, बेचारा थक भी चुका होता है, मैं इसको कुछ खिलाया भी नहीं होता। और मैं ढूंढ रहा होता हूँ कमरा जहाँ पे जाके अपनी मैं वॉइस ओवरिंग कर लूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत पड़े हुए थे मेरे पास, मैंने कहा पहले पहले वॉइस ओवरिंग कर लेता हूँ। लेकिन यार यहाँ पे हर जगह से शोर आ रहा था, शादी वाले घर है वो भी शादी वाला घर, यहाँ पे भी शादी वाला घर, शोर बहुत आ रहा था, मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर ही नहीं पाता। इतने देर मुझे अम्मी की आवाज़ आती है कि बेटा चलो 4-5 बज चुके हैं वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे भी शादी अटेंड करनी है। तो भाई बड़ा आसान नहीं होता रिलेटिव में रह के शादी अटेंड करना, और यहाँ पे आसमान बड़ा प्यार लग रहा होता। तो और फिर 15-16 मिनट का सफर तय करने का हम लोग पहुंच जाते हैं चाचू लोगों के घर पे। यहाँ पे शादी की तैयारी और घर जगमगा रहा होता है, लाइटें वाइटें लग चुकी होती है। तो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा क्या क्या सीन हो रहा है, तो पहले फॉलो लाइक सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।